इमरान खान साहब इस वक्त जमान पाक में पहुंच चुके हैं। कारकुनान का जम्मे गफीर है। अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड इन सूरह आले इमरान, वला तहिनू वला तहजनू वअंतुम अलऊना इन कुंतुम मुमिनीन। फियर नॉट, वरी नॉट, यू विल बी डोमिनेंट इन डीड इफ यू आर बिलीवर्स। दोस्तों, वो खुशखबरी आ गई जिसे सुनने के लिए पूरी कौम को इंतजार था। आरिफ अलवी का ओहदा छोड़ने के बाद आर्मी चीफ से मुलाकात ने पासा ही पलट दिया। केस को झूठा करार देते हुए इमरान खान के साथ डट के खड़े हो गए हैं। आरिफ अलवी की आर्मी चीफ के साथ मुस्बत मुलाकात ने इमरान खान को रिहा कर दिया। पाक आर्मी के बहादुर चीफ ने भी इमरान खान को केस में बेगुनाह करार देते हुए रिहाई के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। दोस्तों, आरिफ अलवी ने आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड इन सूरह आले इमरान, वला तहिनू वला तहजनू वअंतुम अलऊना इन कुंतुम मुमिनीन। फियर नॉट, वरी नॉट, यू विल बी डोमिनेंट इन डीड इफ यू आर बिलीवर्स। For those who start making hue and cry on some difficulty encountered, for them in Surah Ankabut Allah says, "Hasiba an-nasu an yutraku wa an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." And the translation is, "Do the people think that they will be left merely on saying we believe and they will not be tested?" And in Surah Al-Baqarah Allah says, "Am hasibtum an tadkhulu al-jannata walamma ya'tikum masalu alladhina khalaw min qablikum massathum al-ba'sa'u waz-zarra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah Ala inna nasrullahi qareeb." And the translation is, "They encountered sufferings and adversities and were so shaken in spirit that even the messenger, peace be upon him, and those of faith who were with him cried, 'When will come the help of Allah? Verily, the help of Allah is always near.'" कि कभी कभी हमारी जहनों से ये बात ओझल हो जाती है कि ताकत जो है वो खराब करती है। इमरान खान ने अपनी रिहाई के लिए ना ही ताकतवरों से डील की है और ना ही अपनी गरीब आवाम का सौदा किया है, क्योंकि अगर इमरान खान डील करने वाले होते तो कब के जेल से बाहर होते। अब ताकतवर भी मान गए हैं कि बेगुनाह इमरान खान पर जैसा केस बनाना सरासर गलत और बेबुनियाद था। आरिफ अलवी की आसिम मुनीर से इस मुलाकात के बाद अब मामूलात बिल्कुल ठीक होने के करीब आ चुके हैं और एक से दो दिन के अंदर इमरान खान जमान पार्क में होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।